हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन रेसिपी। और आज की रेसिपी जो हम आप लोग से साथ शेयर कर रहे हैं वो है चिकन पैटिस की। इसे आप चिकन पैटिस भी कह सकते हैं, चिकन पफ्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी एक टी टाइम स्नैक रेसिपी है और बहुत इजी भी है बनाना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसको बनाना। और आजकल तो रमदान का टाइम भी चल रहा है तो आप इसको इफ्तारी में भी बना के खा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। तो सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे चिकन पैटिस की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है और फिर मैंने फाइनली चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। ये एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज है, वो उसको मैंने फाइनली चॉप करके मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब मैं इसको हल्के से गोल्डन ब्राउन करूँगी इसको। अब यहाँ पे मेरे पास फाइनली चॉप किया हुआ मटर, कैप्सिकम और कॉर्न्स मैंने कर लिया, मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। इन तीनों को मैंने थोड़ा थोड़ा लेके मैंने इनको चॉप कर लिया है और फिर मैंने इसको प्याज के साथ ही ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स भी। इसको ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और मैं इसको डाल के मिक्स कर लूँगी। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया 1/2 कप दूध। आप चाहिए तो पेपर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है फिलिंग तो आप उसके हिसाब से स्पाइसी भी और स्पाइस कर सकते हैं। हमने ज़्यादा स्पाइसी बनाया नहीं। अब आप देख सकते हैं ये मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने इसमें फाइनली श्रेड किए हुए चिकन ऐड कर लिए, बॉईल करके रखे थे मैंने और इसको फाइनली श्रेड कर लिया। अब मैं इसको सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है अब फिलिंग। अब ये मेरा फिलिंग रेडी है। आप इसमें चाहिए तो कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं फाइनली। अब मैंने ले लिया है फ्रोज़न पफ पेस्ट्रीज़। ये रेडीमेड पफ पेस्ट्रीज़ है, ये कोई भी शॉप्स में मॉल्स में मिल जाते हैं। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं पर मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वैसे ही टेस्ट करता है और बहुत इजीली अवेलेबल भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रेडीमेड लेकर आप इसको बना सकते हैं, वैसे ही फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उस पर मैंने फॉइल लगा के मैं उसमें ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ और फिर मैं ये पफ पेस्ट्रीज लेयर कर रही हूँ ट्रे पे। अब मैंने नीचे तेल इसलिए लगाया है ताकि ये नीचे से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब मैंने एक एग को बीट कर लिया है। अब मैं वो एग वॉश सारे पफ पेस्ट्रीज के ऊपर लगा रही हूँ अच्छे से। आप चाहिए तो प्लेन वाटर भी लगा सकते हैं पर मैं एनीवेज एग वॉश को ऊपर लगाऊंगी तो मैं नीचे भी वैसे ही करके लगा रही हूँ। अब मैं सारा जो मैंने फिलिंग बना के रखा हुआ है वो सब मैं ऐड कर लूँगी। ऐड करके मैं ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए ऐसे ट्रायंगल शेप में मैं फिलिंग ऐड करके, फिलिंग को मैं बीच में रख के इसको ट्रायंगल शेप में, आप चाहिए तो इसको आप रेक्टेंगल शेप में भी कर सकते हैं लेकिन मैं ट्रायंगल शेप में कर रही हूँ। अब मैं एक फॉक के हेल्प से मैं इसके एजेस को सील कर रही हूँ। अब फॉक के हेल्प से मैं एजेस को सील कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको बेकिंग करने रख दूँगी। इससे एक अच्छा शेप भी आ जाता है और ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अब मैं फाइनली इस पर एग जो मैंने बीट करके रखा था ये मैं इस पर लेयर कर रही हूँ।
मैं एक ब्रश की मदद से मैं इस पे लगा रही हूँ एग वॉश को। अब मैं अपने ओवन में मैं ये अब मैं ओवन में इसको डाल रही हूँ। मैंने ओवन को प्रीहीट नहीं किया है, मैं इसको दोनों तरफ के रॉड को हीट करूँगी और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए 25 to 30 मिनट्स में हो जाएगा ये, और आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस तक पका सकते हैं। अभी देखिए ये अच्छे से बेक हो रहा है। अब जब हाफ टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से पक चुका है, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले रॉड को ओपन कर लिया है और मैंने नीचे वाले रॉड को बंद कर लिया है। ताकि ऊपर से ये थोड़ा और अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये अब 20-25 मिनट्स के बाद ये हमारे चिकन पफ्स या पैटिस रेडी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ये 15-20 मिनट्स के बाद ही आप इसको खाइएगा, क्योंकि ये पहले थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, मशी रहता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होने में टाइम लगता है। तो 15-20 मिनट्स वेट कीजिए और फिर ये काफ़ी टेस्टी और डिलिशियस लगेगा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। So guys, please subscribe to my channel, like my video, and please do share my video. Thank you.